फ्रेंड्स, अगर आपके घर कोई सब्ज़ी ना हो और आपको ज़ोरों की भूख लगी हो तो आप ये टमाटर प्याज की चटनी बहुत ही जल्दी और बहुत कम सामानों से आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो आप इसे बनाकर 4 रोटी आराम से खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तड़का द इंडियन रसोई में। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरी सारी रेसिपीज देख सकें। चटनी बनाने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप है टमाटर को भूनना। यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को ऑन करके इसमें जाली रख दी है। अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप डायरेक्टली भी टमाटर को भून सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ का टमाटर नहीं है तो आप यहाँ पे छोटे साइज़ का टमाटर भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको टमाटर जो पका हुआ लेना है, क्योंकि कच्चे टमाटर में वो खट्टापन और वो टेस्ट नहीं आएगा जो पके टमाटर में आता है, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए, आपको इस तरह से टमाटर भून लेना है। जब उसकी स्किन नीचे काली हो जाए तो आपको इस तरह से पलट देना है और हमें चारों तरफ टमाटर को अच्छे से घुमा घुमा के इस तरह से भून लेना है। आपको इस तरह से बाहर देख के आप ये मत सोचिएगा कि आपके टमाटर जल गए हैं, क्योंकि ये अंदर से अच्छी तरह से भून गए हैं। और ये जब भून जाते हैं अच्छी तरह से अंदर से, तो बाहर इसकी स्किन इस तरह से काली हो जाती है। तो हमें इसकी स्किन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसे हम छिलका भी निकाल देंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से भून लीजिए घुमा घुमा के। हम यहाँ पे ढाबा स्टाइल टमाटर प्याज की चटनी बना रहे हैं। और अगर आपको जो भी चटनी पसंद हो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। अब आप देख सकते हैं हमारे टमाटर अच्छी तरह से भून गए हैं और मैं इसे नीचे उतार ले रही हूँ। अब चलिए, इसे हम ठंडा होने के लिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे थोड़े से, तब हम इसकी स्किन निकाल लेंगे, क्योंकि ये गरम गरम रहेंगे तो इसकी स्किन नहीं निकाल सकेंगे हम। इसलिए देखिए, ये ठंडे हो गए हैं थोड़े से, तो मैं इसकी स्किन निकाल रही हूँ। ये जो हमारे ब्लैक पार्ट है इसे हम अच्छी तरह से पूरी तरह से निकाल देंगे, ताकि हमारे टमाटर देखने में ख़राब ना लगे। नहीं तो जब हम इसका चटनी बनाएंगे तो ये जो ब्लैक है ये पूरी चटनी में ऐसे पड़े रहेंगे। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिए, मैंने सारे टमाटर की स्किन निकाल ली है। अब मैं इसे बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। देखिए, मैंने इसे बाउल में रख दिया है। अब चलिए इसे मैश कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसे मैशर की हेल्प से मैश करूँगी, बट आप इसे हाथ से करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से मैश हो जाएगा। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप इसे हाथ से ही कर सकते हैं। देखिए, मैं इसे इस तरह से मैश कर ले रही हूँ अच्छी तरह से। हम इसे मैशर की हेल्प से इसलिए मैश कर रहे हैं ताकि आसानी हो मैश करने में, देखिए, ताकि टमाटर जो है आसानी से मैश हो जाए। अब मैं इसे हाथ से मैश कर ले रही हूँ। हाथ से मैश करने से क्या होता है कि जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो चटनी में नहीं आएंगे और सारे आसानी से मैश हो जाएंगे। तो चलिए, इसे आप हाथ से मैश करिए अच्छी तरह से, और उससे क्या होगा कि जो इसके हार्ड पार्ट होते हैं वो निकल जाएंगे, क्योंकि हार्ड पार्ट जो होते हैं वो चटनी में अच्छे नहीं लगते। देखिए, इस तरह से ये जो हमारे ऊपर के पार्ट होते हैं उसे हम निकाल देंगे इस तरह। देखिए, आपको भी निकाल देना है। अब ये हमारी टमाटर की प्योरी रेडी हो गई है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल रहे हैं, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा इसमें। चलिए, इसमें बाकी की चीज़ डाल देते हैं। अब यहाँ मैंने जो एक हरी मिर्च बारीक काट के रखी थी वो डाल दिया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मिर्च बिल्कुल बारीक काट के डालनी है। अब चलिए, इसमें हम मसाले ऐड कर लेते हैं। अब इसमें जाएगा भुना हुआ ज़ीरा, जो हम डालेंगे लगभग 1 चम्मच घर के नॉर्मल चम्मच से। चलिए, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं काला नमक। काला नमक मैं यहाँ स्वाद के हिसाब से डाल रही हूँ, आप भी अपने स्वाद के अनुसार डालिए, क्योंकि यहाँ पर सफ़ेद नमक भी डालेंगे। सफ़ेद नमक भी मैंने ऐसे ही डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। यहाँ पे आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर दोनों नहीं है तो आप दोनों स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास अमचूर और चाट मसाला नहीं है तो आप दोनों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि टमाटर हमारा पहले से ही खट्टा होता है। चलिए, अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ताकि हमारे सारे मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे धनिया का पत्ता। हरे धनिया का पत्ता इसके टेस्ट और लुक दोनों को बढ़ा देगा। यहाँ पे हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि आपस में अच्छी तरह से मिल जाए और ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए और ये देखने में भी अच्छी लगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे ये टमाटर का टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए, आप देखने में लग रही है ना कितनी लाजवाब और टेस्टी चटनी बनी है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और खाइए और खिलाइए, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी चटनी पसंद है। मैं उसकी रेसिपी आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग कमेंट नहीं करते, मुझे आप लोग के कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।